अभी हम लोग 50 से खाली करके चल दिए हैं बीरगंज के तरफ। तो अब चलते हैं बीरगंज, अब क्या माल मिलता है, अब कहाँ जाएंगे, अब वहीं पर जाकर पता लगेगा। जब तक अभी मंथली हम लोग का 8 किलोमीटर आ गया है बाकी। अब हम लोग मंथली पूरेंगे, वहाँ से मंथली से फूलकोट जाएंगे, फिर फूलकोट से आप देखेंगे सिंधुली रोड जाने देगा तो वही रोड होकर चले जाएंगे। हम लोग का खाली गाड़ी है, अब इधर से देखते हैं क्या होता है, आप लोग का जानकारी दिलाते रहेंगे। मंथली बाजार इसे ही बोलते हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं, वो मंथली बाजार हो रहा है, हम लोग आ रहे हैं इधर से, और हमारा वो 52-28 गाड़ी आ रहा है। तो मंथली बाजार कट कर हम लोग इधर भी इधर अभी चढ़ाई चढ़ने लगे हैं, और अभी ऊपर जाना है बहुत ऊपर। आप लोग को रास्ता नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुंदर है। अभी हम लोग धीरे धीरे करके चढ़ते जा रहे हैं ऊपर, चढ़ाई चढ़ रहे हैं अभी, और ये नीचे का रोड है।
आप लोग देख सकते हैं हम लोग कितना ऊपर आकर चल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं वहाँ पर झुलंगी पुल भी है, आप लोग को नजर आ रहा होगा कि नहीं। हमारे यहाँ का नेपाल का खूबसूरती कैसा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं सरसों कितना फल चुका है यहाँ पर। हमारे यहाँ ऐसे ही छोटे छोटे होता है खेती, अब क्या करें जगह नहीं रहता है नेपाल में हम लोग का, उतना पूरा पहाड़ पहाड़ रहता है थोड़ा थोड़ा जगह में। वैसे ही अपने अपने यहाँ वो खेती करते हैं लोग। कल रात को हम लोग का गाड़ी यहीं पर नहीं चढ़ पा रहा था दोस्तों, और स्लिप कर रहा था।